नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 12 करोड़ के नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का समय तकनीक का है, इसका उपयोग राष्ट्र निर्माण और लोक कल्याण में किया जा सकता है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 2 साइबर थाने थे, आज प्रदेश के हर जनपद में एक एक साइबर थाना है और हर जिले में साइबर हेल्प डेस्क है। इनसे साइबर अपराधों पर लगाम लग रही है। यूपी सीएम ने कहा कि विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थानों की यह जिम्मेदारी बनती है कि तकनीकी सहयोग के लिए साइबर थानों के साथ MOU करें। आज गोरखपुर जोन की पुलिस ने इस दिशा में अनुभव पहल करते हुए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ MOU किया है और मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर उत्तर प्रदेश में है, प्रदेश के तकनीकी संस्थानों को खुद को इससे जोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के पहले उत्तर प्रदेश इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें नंबर पर था। हमारी सरकार ने सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र के माध्यम से इसमें सुधार किया और इसी का परिणाम है कि आज यूपी देश में इज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि डिजिटल पेमेंट ने भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था लाकर प्रत्येक नागरिक के जीवन में एक नई क्रांति लाई है। देश में सबसे बड़ी युवा आबादी उत्तर प्रदेश के पास है। वहीं सीएम ने कहा कि ग्रेटर नोएडा में 21 से 25 सितंबर तक इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया है। इसमें 500 खरीदार विदेश से आए थे और उत्तर प्रदेश के 2000 से अधिक एग्जीबिटर्स भी उपस्थित हुए थे, जिनके माध्यम से दुनिया ने यूपी के इनोवेशन और पोटेंशियल को देखा। और यही नहीं, ट्रेड शो में लगभग 4 लाख लोग घूमने और खरीदारी करने भी पहुंचे थे, जो ट्रेड शो की सफलता को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश की 56% आबादी कामकाजी आबादी है और डिजिटल इंडिया का लाभ यह आबादी सर्वाधिक ले सकती है। डिजिटल इंडिया के इस क्रांतिकारी अभियान के साथ पीएम स्टार्टअप की नीति हो या पीएम मुद्रा की योजना, प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना हो या मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसने प्रत्येक युवा के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का कार्य किया है और आज उत्तर प्रदेश का अधिक से अधिक युवा इन योजनाओं के साथ जुड़ करके नए नए स्टार्टअप स्थापित कर रहा है। अभी 21 से 25 के बीच ग्रेटर नोएडा में एक्सपो मार्ट में इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया था। दुनिया के 500 बायर्स उसमें उपस्थित हुए थे और आश्चर्य करेंगे कि 3 दिनों में, यानी इन 5 दिनों में, पहले दिन तो राष्ट्रपति जी उद्घाटन में आई थी, तो पहले दिन तो 21 को तो केवल उद्घाटन की औपचारिकता हो पाई थी, लेकिन 22 से लेकर 25 के बीच लगभग 4 लाख लोग वहां पर आए और उन लोगों ने वहां पे इनोवेशन को भी देखा, उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को भी देखा। उत्तर प्रदेश के तमाम संस्थानों ने और खासतौर पर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस ने अपने अपने स्टार्टअप वहां पर स्थापित किए थे। लोगों को आश्चर्य था, क्या यह सब उत्तर प्रदेश में हो रहा है? उत्तर प्रदेश की ताकत का एहसास जिन्हें नहीं, वे लोग उत्तर प्रदेश के नाम पर प्रश्न खड़ा करते थे, लेकिन आज कोई व्यक्ति प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता क्योंकि 2000 से अधिक एग्जीबिटर्स अकेले उत्तर प्रदेश से इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में उपस्थित हुए थे और उस इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल को वहां पर प्रस्तुत करने का कार्य कर रहे थे। तमाम हमारे तकनीकी विश्वविद्यालयों के इनोवेशन भी वहां पे स्थापित किए गए थे, जिसको दुनिया देख रही थी कि अच्छा, ये ताकत है उत्तर प्रदेश में। और आज इसीलिए जब मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है, ढेर सारी संभावनाएं आपके लिए हैं, पूरी दुनिया खुली हुई है। इसमें हम अपने आप को जितना
समाज की आवश्यकता क्या है उसके अनुरूप किसी इनोवेशन के साथ जोड़ करके अपने रिसर्च को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, उसके परिणाम उतने ही अच्छे होंगे। लेकिन इसके लिए आवश्यक होगा कि आपको पहले इन बातों को ध्यान में रखना होगा कि आप अपने विश्वविद्यालयों को, आज हमारी जो सबसे बड़ी चैलेंज क्या है, जो हमारे इनोवेशन और रिसर्च के सेंटर होने चाहिए वे सरकार निरपेक्ष और समाज से निरपेक्ष हो चुके हैं। हमें निरपेक्ष भाव से नहीं, निरपेक्षता केवल भ्रष्टाचार के प्रति होनी चाहिए, अव्यवस्था के प्रति होनी चाहिए, किसी भी अराजकता के खिलाफ होनी चाहिए। हमें सरकार की योजनाओं के सापेक्ष, समाज सापेक्ष एक सकारात्मक रुख के साथ आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा और उसके परिणाम आने में फिर कोई देर नहीं लगेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था पर अब तक की सबसे बड़ी मीटिंग बुलाई। प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस कप्तान और कमिश्नर के अधिकारियों से लेकर सीओ और थानेदार तक से सीएम योगी ने बात की। वहीं लापरवाही करने वालों को मुख्यमंत्री योगी ने फटकार भी लगाई। 3 घंटे 10 मिनट तक चली इस मीटिंग में सीएम योगी ने एसपी को जमकर फटकार लगाई। सीएम अम्बेडकर नगर में पिछले दिनों छात्रा के दुपट्टा खींचे जाने के बाद मौत मामले में बहुत नाराज दिखे। मुख्यमंत्री ने अम्बेडकर नगर में छात्रा का दुपट्टा खींचे जाने में कार्रवाई में देरी की वजह पूछी। इस पर एसपी के तर्क से योगी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अगर शासन से निर्देश ना दिए गए होते तो क्या तुम अपराधियों की आरती उतार रहे थे। वहीं आगरा और सुल्तानपुर की घटना पर भी योगी ने नाराजगी जताई। हाथरस में गोकशी को लेकर एसपी के लिए दिए गए तर्क पर जमकर क्लास लगाई गई। फिलहाल सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सबसे महत्वपूर्ण मामला महिला सुरक्षा का रहा। शारदीय नवरात्रि से शुरू होने वाले मिशन शक्ति अभियान को लेकर भी सीएम योगी ने सभी पुलिस के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने अम्बेडकर जिले की घटना का जिक्र बार बार किया और ऐसी लापरवाही दोबारा न हो इसकी सख्त हिदायत दी। बाराबंकी जिले के लोनीकटरा थाना पुलिस ने 3 अंतरराज्यीय मॉर्फिन तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 23 किलोग्राम से अधिक स्मैक बरामद की है। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्मैक की कीमत 24 करोड़ रुपए आंकी गई है। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह के नेतृत्व में थाना लोनीकटरा की पुलिस टीम ने 3 शातिर अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्करों को मंगलपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से करीब 24 करोड़ रुपए की कीमत की 23.490 किलोग्राम स्मैक, 2 कार, 3 मोबाइल और 1385 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच में पता चला है कि तस्करों का अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का एक संगठित गिरोह है। ये बाराबंकी, लखनऊ, आसपास के जनपदों के साथ साथ अन्य प्रांतों में भी अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता दिन दुनी और राज चौगुनी की रफ्तार से बढ़ रही है। सोशल मीडिया साइट एक्स के ताजा आंकड़े इसकी पुष्टि कर रहे हैं। एक्स द्वारा दुनिया भर की इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज, ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेशन समेत सबने अपने हैंडल्स की वो लिस्ट जारी की है जिसे पिछले 30 दिनों में सबसे ज्यादा लोगों ने फॉलो किया है। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा भारतीय राजनेताओं में पीएम मोदी नंबर 1 पर हैं और पीएम को 6,32,000 लोगों ने इस महीने में फॉलो किया है। और वहीं पीएम के बाद जो दूसरा नाम है वह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का है। इससे पता चलता है कि सोशल मीडिया पर सीएम योगी की लोकप्रियता देश के किसी भी राजनेता के मुकाबले सबसे तेजी से बढ़ रही है। यूपी के गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से सनातन धर्म विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने इशारों ही इशारों में पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। पिछले कुछ दिनों में सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयानों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कुछ लोगों की ओर से सनातन धर्म की परंपरा को कोसा जा रहा है। सनातन धर्म के लोग अब देश को लेकर गौरव महसूस कर रहे हैं। अब भारत योग के एरिया में दूसरों को रास्ता दिखा रहा है। देश के अलग अलग एरिया में काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो काम सन 1947 में होना चाहिए था वह अब हो रहा है। गौरतलब है कि तमिलनाडु के खेल और युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने हाल ही में कहा था कि सनातन धर्म को खत्म करने से छुआछूत खत्म हो जाएगी। इससे पहले उदयनिधि ने भी कहा था कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है और इसे खत्म करना होगा। इससे पूरे देश में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था और बीजेपी ने तुरंत इसे नरसंहार का आह्वान करार दिया था। सीएम योगी ने विवाद के दौरान भी
सनातन धर्म पर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि आज हमारा देश एक सकारात्मक दिशा में काम कर रहा है, विरासत का सम्मान करते हुए समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, तो भारत की ये बदलती वैश्विक छवि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। उनकी तरफ से विरासत का अपमान करके सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपरांत अमृत काल के प्रथम वर्ष में जब भारत दुनिया का G20 के देशों का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है, तो भारत ने G20 का थीम भी दिया वसुधैव कुटुंबकम का। याद करिए, दुनिया जिस शब्द के तात्विक बोध को समझने में हो सकता है कि कहीं कोई कमी रह गई हो, लेकिन भारत हजारों वर्षों से इस बात को मानता रहा है, उस बात को अंगीकार करता रहा है। और जब भारत को अपनी इन उपलब्धियों पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, हर भारतवासी जब इन मुद्दों को लेकर के एकजुट होकर के भारत की 140 करोड़ की आबादी, जब भारत के यशस्वी नेतृत्व में आगे बढ़कर के एक साथ कार्य करेगा, तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जो लोग भारत की प्रगति और भारत की समृद्धि जिनको अच्छा नहीं लगता, वे लोग कुछ ना कुछ व्यवधान पैदा करने का प्रयास करेंगे। हम लोगों को इनकी परवाह के बगैर अपने पथ पर अग्रसर होना होगा, क्योंकि एक काल में नहीं हुआ, हर काल में सत्य को झुठलाने का प्रयास हुआ है। क्या रावण ने झुठलाने का प्रयास नहीं किया था? क्या उससे पहले हिरण्यकश्यप ने ईश्वर की और सनातन धर्म की अवमानना करने का प्रयास नहीं किया था? क्या कंस ने ईश्वरीय सत्ता को चुनौती नहीं दी थी और ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने वाले आज क्या कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है? सब कुछ मिट गया, कुछ नहीं बचा है। लेकिन ईश्वर जैसे सत्य है, शाश्वत है, ऐसे सनातन धर्म भी सत्य है, शाश्वत है। हमें सत्य और शाश्वतता को सदैव अंगीकार करके सकारात्मक भाव के ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। और ये पुलिस के लिए तो खासतौर पर भगवान कृष्ण की ये दोनों प्रेरणाएं कि कर्मणे वाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, निष्काम कर्म की जिस प्रेरणा को उन्होंने दिया था वह भी प्रेरणादायी है ही, हर नागरिक के लिए है ही। लेकिन साथ साथ परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम के भाव के साथ सज्जनों की परित्राण, उनके परित्राण के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए जहां कार्य करेंगे, वहीं दुष्ट प्रवृत्ति के खिलाफ उतनी ही कठोरता के साथ कार्य करेंगे। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पुलिस ने भगवान श्री कृष्ण के इन सभी उपदेशों को अंगीकार करते आज उत्तर प्रदेश के प्रसिप्शन को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। आज इसी का परिणाम है, एक वर्ष में 31 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश में आते हैं, देश के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट के डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर उभरता है। और उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदल चुकी है, अब लोग मानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अच्छी प्रगति वाली करने वाले राज्यों में है, अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश की गिनती हो रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।